हिंदुस्तान की आजादी से पहले घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन घोड़े की काबिलियत कुछ गधों के मालिकों को हजम नहीं हुई। उन गधों के सभी मालिकों ने एक मीटिंग बुलाई कि ऐसा क्या किया जाए जो गधा घोड़े को हरा दे। बहुत देर सोचने के बाद भी कोई उपाय नहीं निकला। फिर बाद में गधे के मालिक ने एक युक्ति सुझाई कि क्यों ना हम सभी घोड़े के पैर में जंजीर बांध दे, इससे घोड़ा तेज नहीं भाग सकेगा और गधा जीत जाएगा। यही हुआ। आजादी के बाद घोड़े के पैर में जंजीर बांध दी और गधे को जिता दिया। ये जंजीर आज भी घोड़े के पांव में बंधी हुई है और ये जंजीर है आरक्षण रूपी जंजीर। लंबी रेश के तेज घोड़े को उसके अधिकार से वंचित करके गधे को आगे लाने का नाम ही आरक्षण है। और ये आरक्षण रूपी सांप योग प्रतिभाओ को दिन प्रतिदिन डस रहा है। अगर 90% वाले चपरासी और 40% वाले अधिकारी बनेंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा, इस विश्व गुरु भारत का भविष्य क्या होगा? अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में गृह युद्ध का कारण आरक्षण बनेगा। अगर आप भी जातिगत आरक्षण मुक्त भारत चाहते हो तो इस देश को, इस ऑडियो को इतना शेयर करें कि पूरे देश में ये ऑडियो फैले। आपके फेसबुक और व्हाट्सएप का बस एक ही स्टेटस हो, हमें चाहिए जातिगत आरक्षण मुक्त भारत। हम सबको चाहिए जातिगत आरक्षण मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।